नमस्कार सर। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? सत्येन सिंह नरवरिया, ग्वालियर मध्य प्रदेश। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले हम देवी देवताओं की भक्ति करना और जैसे मंदिरों में जाना, यही साधना करते थे जो हमारी परंपरा में चली आ रही थी। आपको संत रामपाल जी महाराज के बारे में कहाँ से जानकारी मिली? एक बार क्या हुआ सन 2007 में कि हमारे यहाँ पे भागवत हुआ था, तो भागवत होने के बाद एक कोई संत मिले, हमारे भैया थे नीलेश दास, वो बड़े हैं हमसे, तो उनको जैसे ही वो भागवत का जब भोग पड़ा उसके बाद एक संत मिला, उन्होंने वो सेवा किया करते थे संतों की, तो उन्होंने ये कहा कि हम गुरु उसको बनाएंगे जो ये बताएगा कि ये संसार की उत्पत्ति कैसी हुई है। तो उन्होंने कहा समय आने पर तुझे पता लग जाएगा, और इतना क्या कि वो संत जी चले गए। और फिर उसके बाद क्या हुआ, एक राघवेंद्र सिंह है जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले रखी है, तो उन्होंने बताया कि जो जिसकी आप तलाश कर रहे हैं कि वो सृष्टि रचना कैसे हुई है, क्या हुई है, तो हमारे साथ चलो आप। मैंने कि कहाँ ले जा रहे हो हमें? तो मैंने कि हम तुम्हें ले कर चल रहे हैं हरियाणा हिसार में, कि एक ऐसे संत हैं जो ये सब कुछ बताते हैं। तो वैसे ही उन्होंने परमात्मा की चाह थी पूरे परिवार को, हमारे माता पिता ने बाल योगेश्वर प्रेम रावत हैं जो सतपाल जी महाराज के छोटे भैया हैं, उनसे मम्मी पापा ने नाम ले रखा था। तो यही क्वेश्चन भैया किया करते थे, मैं गुरु बना लूँगा कि आप ये बताओ कि ये सृष्टि रचना कैसे हुई, तो किसी के पास कोई उत्तर नहीं था। तो वो राघवेंद्र दास जी के साथ गए, तो वहाँ संत रामपाल जी महाराज करौथा आश्रम से जेल से आए थे पहले भी, तो 2 महीने हुए थे। उसके बाद जब भैया पहुँचे, नहाया धोया, वहाँ सारी व्यवस्थाएं थी, और संत रामपाल जी महाराज वहाँ सृष्टि रचना बता रहे थे शास्त्रों के अनुसार, जब प्रमाण देखे तो उन्होंने नाम लिया। और ऐसे ही फिर उसके बाद हम उसके बाद सारा परिवार धीरे धीरे करके 27 दिसंबर 2008 को मैंने नाम प्राप्त किया। सर, संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी बताते हैं कि उनको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हैं, तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको भी कोई लाभ प्राप्त हुए? हमारे परिवार को और जितने भी हमारे परिवार के सदस्य हैं सबको संत रामपाल जी महाराज सब ने नाम ले रखा है, और सबको कोई ना कोई लाभ अवश्य हुआ है। जैसे हमें इस्नोफीलिया था पहले, तो हम एक इस्नोफीलिया होता है यहाँ फेफड़ों लंग्स में, यहाँ दर्द करते हैं, तो हम एक इंजेक्शन रोज लगवाया करते थे, ठीक है। तो संत रामपाल जी महाराज से नाम लिया, फिर प्रार्थना की, तो उस दिन के बाद हमने कोई इंजेक्शन नहीं लगवाया। और एक हम सारा परिवार, हम भिंड से, हमारा ग्वालियर रहते हैं हम लोग, तो भिंड से ग्वालियर हम उसमें आ रहे थे कार में, तो JCB आ रही थी इस साइड में, और JCB से हमारी गाड़ी ऐसे निकल गई हमें पता ही नहीं चला। जैसे 3 टाइम की आरती देते हैं संत रामपाल जी महाराज, सुबह की, दोपहर की और शाम की, तो अशुद्ध के अंदर रेमेडी करते हुए आ रहे थे, तो इतनी सी जगह में परमात्मा ने गाड़ी निकाल दी, संत रामपाल जी महाराज ने गाड़ी निकाल दी, और हम लोग बिल्कुल सेफ बचा दिया, और परमात्मा ने वहाँ हमें ख़त्म हो जाना था। सत्संग में संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि जैसे कोई अगर आने वाले समय में कोई पाप कर्म भारी हो तो उसको हल्का करके टाल देते हैं, ऐसा ही हुआ सन 2008 में हमारे भैया ने नाम लिया, ठीक है। नाम लेने के बाद भक्ति करते रहे, 2011 में कोई पाप कर्म उनका आया, तो उनको ब्रेन ट्यूमर हो गया, तो ब्रेन ट्यूमर होने के बाद यहाँ ग्वालियर में दिखाया विद्या हेल्थ इमेजन पे, तो वहाँ पॉजिटिव आया, तो फिर विश्वास नहीं हुआ, फिर उनके चलो यहाँ नहीं तो पहले गुरुजी पे चलते हैं। तो जब संत रामपाल जी महाराज पे गए, तो वहाँ तो गुरुजी ने से संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना लगाई, संत रामपाल जी महाराज ने बोला कि चेकअप कराओ, तो वहाँ ब्रेन ट्यूमर कैंसर पाया गया। तो फिर बोला कि संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना लगाई कि संत रामपाल जी महाराज बोले कि बेटा ऑपरेशन करा लो, परमात्मा आपके साथ रहेगा, ठीक है। तो फिर आ गए हम लोग, फिर पैसे की व्यवस्था नहीं थी, 6-7 लाख रुपए खर्च होने थे, तो संत रामपाल जी महाराज ने कहा कि जा बेटा घर, तू घर जा, तेरी पैसे की व्यवस्था मिलेगी। ऐसे ही अब जब हमने किसी को बताया नहीं, तो रिश्तेदार पैसे लेके आ गए घर पे, ठीक है। जैसे ही पैसे लेके आ गए, फिर दिल्ली गए, तो गुरुजी ने तो आदेश दे ही रखा था कि संत रामपाल जी महाराज साथ रहेंगे, संत रामपाल जी महाराज। तो फिर हुआ क्या, तो जैसे ही वो ऑपरेशन थिएटर में गए, तैसे ही जैसे मोबाइल रखा होता है तो ऑटोमेटिकली उस मोबाइल से, जैसे ही ऑपरेशन थिएटर में अंदर गए, तैसे ही
मोबाइल में अपने आप आरती स्टार्ट हो गई, तो हमें विश्वास हुआ कि संत रामपाल जी महाराज आ चुके हैं। फिर ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन सक्सेस हो गया। अब संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि जैसे किसी के मस्तक में सूली होती है तो वो कांटों में टल जाती है। जब भैया हमारे दिल्ली से पारस हॉस्पिटल गुड़गांव में पड़ता है, वहाँ से ऑपरेशन करा के लौटे, तो उनकी और ज़्यादा तबीयत खराब हो गई। मेरे भैया की इतनी तबीयत खराब हो गई थी कि उनको यम के दूत दिखने लगे। तो यम के दूत दिखने लगे तो अब इतने में हुआ क्या कि हमारे आंखों में भी आंसू थे कि हम वहीं बैठे थे और हमारी भाभी हैं तो वो भी वहीं बैठी थी। ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज तुरंत वहां आ गए तो और हमारे भैया को दिख रहे थे लेकिन हमें नहीं दिख रहे थे। तो यम के दूत बोलने लगे, बाहर खड़े थे, कि बोलने लगे कि हम इसको लेकर जाएंगे। संत रामपाल जी महाराज बोले कि नहीं, आप इसको नहीं ले जा सकते, हमने इसकी उम्र बढ़ा दी है। तो उसके बाद 10 मिनट हुआ ही होगा कि 10 मिनट में वो फिर एकदम से स्वस्थ होकर बैठ गए। लाओ खाना लाओ। 10 मिनट के पहले वो बिल्कुल कुछ भी नहीं खा रहे थे, भाभी ने थोड़ी नमकीन दी वो भी नहीं खा रहे थे। और 10 मिनट बाद जो मैंने ये संकल्प लिया तो उसके बाद तुरंत उठ के वो बोलने लगे कि रोटी लाओ। तो उसके बाद ऐसा लग रहा था कि वो बिल्कुल बीमार तो थे ही नहीं। तो ये चमत्कार, ये सबसे बड़ा चमत्कार हमारे यहाँ हुआ। 2011 के बाद जब ऑपरेट करवाया, ये ऑपरेशन हुआ ब्रेन ट्यूमर कैंसर का, उसके बाद ये पूर्णतः स्वस्थ हैं, उसके बाद उनको कोई समस्या नहीं है। और आप प्रमाण के लिए देखना चाहें तो ये रिपोर्टें हैं जो मैं साथ में लेकर आया हूँ, तो आप देख सकते हैं। प्रमाण के लिए आप देखिए कि ये रिपोर्ट है जिसमें दिखा रहा है कि इसमें ये उनका ब्रेन ट्यूमर है और ये पारस हॉस्पिटल का है, ये गुड़गांव में है जो, और ये रिपोर्ट है उनकी। इस रिपोर्ट में ये है भाई कि मेरे ब्रेन ट्यूमर से लेफ्ट साइड का हिस्सा पूरा गल चुका है। इस रिपोर्ट में ये लिखा हुआ है साहब साहब, आप देख सकते हैं कि इनका लेफ्ट साइड का पूरा हिस्सा बिल्कुल गल चुका था ब्रेन ट्यूमर की वजह से। और ये लास्ट स्टेज था, डॉक्टरों ने मना कर दिया था, जो संत रामपाल जी महाराज की दया से आज हमारे भाई बिल्कुल स्वस्थ हैं, ये आप देख सकते हैं। और इसके साथ साथ ये रिपोर्ट है एक्सरे की, इसमें ये लेफ्ट साइड का जो हिस्सा है, जो रिपोर्ट में भी दिया है, ये एक्सरे में भी दिया है, ये सारा गल चुका था। और डॉक्टरों ने 4 लाख रुपए जमा करा लिए थे स्टार्टिंग में और कह दिया था कि इसकी कोई गारंटी नहीं है कि ये ठीक हो जाएंगे, और साइन भी करवा लिए थे। और ये मान के चलो वो तो ख़त्म ही थे, तो हमने गुरुजी से प्रार्थना लगाई थी पहले, तो गुरुजी ने, संत रामपाल जी महाराज ने ये कहा था कि आप ऑपरेशन कराओ, परमात्मा साथ रहेंगे। और संत रामपाल जी महाराज वहाँ जब ऑपरेशन हो रहा था तो परमात्मा साथ में थे, और ऐसा लग रहा था, महसूस हो रहा था कि परमात्मा साथ में है और वो ऑपरेट कर रहे हैं। जैसा कि वेदों में लिखा है कि सच्चे गुरु से नाम लेकर और सत्साधना करने वाले की परमात्मा 100 वर्ष की आयु प्रदान करते हैं, ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज से नाम लेकर और नाम दीक्षा लेकर अगर भक्ति करेंगे तो सारे सुख भी देगा परमात्मा और सारे लाभ भी होंगे और सारी दुख दर्द भी ठीक होंगे। जैसा कि आपने देखा कि संत हमारे भाई को ब्रेन ट्यूमर हो गया था, ब्रेन का कैंसर हो गया, तो नाम लेकर अगर शरण में नहीं होते तो आज मृत्यु निश्चित थी, ठीक है। तो ये लाभ हमें, विशेष लाभ हमें ये मिला, हमारा घर बर्बाद हो जाता। एक लाभ और बताता हूँ कि हमारे पापा को कैंसर से भी ज़्यादा खतरनाक बीमारी थी, जैसे गैंग्रीन बोलते हैं जिसको, तो उसमें क्या होता था, जैसे कांटा लग गया, कांटा लगने के बाद क्या, पूरा ये पैर साइड में तो पूरा मवाद दौड़ गया, तो डॉक्टर बोले कि भाई ये क्या, इसको पैर को काटना पड़ेगा। तो अब जब पापा हमारे बिल्कुल रोए, क्योंकि वो भी, उन्होंने भी संत रामपाल जी महाराज से नाम ले रखा है, तो इतना कहते हैं कि पैर कटेगा, तो वो सोचने लगे कि एक पैर से हम कैसे लगेंगे, तो वो बहुत भयंकर रोए। तो रोने के बाद उन्होंने हमें बताया कि ऐसे ऐसे उनकी गुरु जी से प्रार्थना लगाओ, संत रामपाल जी महाराज से। तो उन्होंने प्रार्थना लगाई जैसे ही, तो उसके बाद डॉक्टर हैरान था कि भाई कल तो इतना मवाद था और आज क्या हो गया, आज क्यों सूख गया ये, तो बिल्कुल बिल्कुल सूख गया वो, और आज तक वो स्वस्थ हैं। एक बार एक लाभ और बताते हैं, पापा को वो जा रहे थे बाइक से, तो बाइक से जा रहे थे, एक बच्चा आ गया था छोटा सा, तो उन्होंने एकदम ब्रेक लगाई तो उनकी ये नाक भी फट गई, यहाँ से बिल्कुल गेरोस हो गए, तो एक और वहाँ परमात्मा ने रक्षा की, तो ये नाक फट गई थी, तो परमात्मा की दया से वहाँ भी कुछ नहीं हुआ। तो बहुत सारे लाभ परमात्मा ने हमें दिए इस सत साधना से, संत रामपाल जी महाराज से जब हमने नाम लिया। नाम लेने से पहले क्या है, हमारे यहाँ दारू का बिजनेस चलता था, तो जब नाम लेने के लिए गए तो संत रामपाल जी महाराज ने पापा से बताया कि आप क्या करते हो, तो
उन्होंने बताया कि हम ऐसे ऐसे करते हैं, तो गुरुजी संत रामपाल जी महाराज बोले कि तुम्हें ये छोड़ना पड़ेगा नहीं तो तुम्हारा पूरा परिवार का नाश हो जाएगा और कोई भी जीवित नहीं रहेगा। तो उसी दिन से पापा ने बिल्कुल ये ठेके वगैरह सब दे दिए और उन्होंने बिल्कुल छोड़ के एक सादा जीवन व्यतीत किया। तो आज वो बात सिद्ध हो जाती, जैसा कि हमारे सामने इतनी सारी कठिनाइयाँ आई, ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन हुआ, पापा का पैर कटना था, और भी एक्सीडेंट और होने थे, उसमें हम सब खत्म हो जाने थे। तो आज वो सिद्ध हो जाती है, वो संत रामपाल जी महाराज ने हमारे कर्मों से बिल्कुल मेट दी और मेट के बिल्कुल आज हम सुखी जीवन व्यतीत कर रहे हैं और अपनी भगवान की भक्ति कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम लेकर। पहले जब शराब का हम बिजनेस करते थे, हमारे पापा करते थे, तो उसमें क्या है, दो नंबर का पैसा आता था, तो उसमें उस जो पैसा आता था उसमें कोई सुख शांति नहीं थी। और आज हमने ये सारे धंधे छोड़ रखे हैं, हमारे पापा ने छोड़ रखे हैं, तो आज हम बेशक कम कमाते हैं लेकिन वो पैसा जो कमाते हैं तो उसको बिल्कुल भी बीमारियों वगैरह इनमें खर्च नहीं करना पड़ता और आराम से जीवन यापन हमारा चल रहा है। जैसे कि पहले हम उससे दो दो लाख रुपए आते थे लेकिन फिर भी हमें शांति नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि जो कोई दो नंबर का धंधा कमाकर अगर पैसा इकट्ठा करता है तो वो पैसा भी नहीं रहता और बीमारियों में लग जाता है और हमारे पाप कर्म बन जाते हैं, जैसे कि हमारे बन रहे थे, हमें पता ही नहीं था। जब संत रामपाल जी महाराज ने बताया कि इसको छोड़ दो, तो आज हम नाम लेने के बाद पैसे आते हैं, आज बिल्कुल कोई कमी नहीं दे रखी परमात्मा ने संत रामपाल जी महाराज ने, लेकिन और फिर भी आज सारे सुख उसी हिसाब से परमात्मा सारे सुख दे रहा है। जबकि पहले हमारे मानसिक टेंशन रहती थी और बीमारियों से, कहीं कोई बीमार हो गया, कहीं एक्सीडेंट हो गया, जैसा कि हमने बताया और रिपोर्टों में भी दिखाया, उसके बाद हम पूर्णतः, हमारा पूरा परिवार पूर्णतः स्वस्थ है और आज भगवान की भक्ति में, सन 2008 से लेकर आज 2019 हो चुका है और आज तक संत रामपाल जी महाराज की हम भक्ति कर रहे हैं। तो जो श्रद्धालु आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? उन सभी जो भी हमारे समाज में हैं और जो भी हमारे इससे पीड़ित हैं, इन बीमारियों से पीड़ित हैं, तो हम उनको यही संदेश देना चाहेंगे कि आप संत रामपाल जी महाराज से नाम लेकर और मर्यादा में रहते हुए अगर भक्ति करोगे तो संत रामपाल जी महाराज सारे लाभ देते हैं। जैसे कि आपने देखा कि हमारे घर में कितनी समस्याएँ थीं और कितने सारे रोग थे, तो हमने नाम लेते लेते ये सारी समस्याएं दूर कर दी संत रामपाल जी महाराज ने। जब हमारी समस्याएं दूर हो सकती हैं तो आपकी क्यों नहीं? जब आप विश्वास करो और उनसे नाम दीक्षा लो और नाम दीक्षा लेकर अगर मर्यादा में रहते व्यक्ति करोगे तो मैं गारंटी से कह सकता हूं कि कोई भी रोग, चाहे कैंसर, क्या ब्रेन कैंसर था ये संत हमारे भाई का, जो ब्रेन कैंसर ठीक हो सकता है तो आपका क्यों नहीं हो सकता? तो हम तो यही प्रार्थना करना चाहेंगे, दास तो संदेश कुछ नहीं दे सकता लेकिन प्रार्थना जरूर करेगा कि आप संत रामपाल जी महाराज से नाम लेकर मर्यादा में रहते हुए भक्ति करोगे तो परमात्मा संत रामपाल जी महाराज सारे लाभ देते हैं। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा जहाँ विभिन्न जिलों में नामदान सेंटर हैं, कई चैनल आते हैं, उन पर संत रामपाल जी महाराज के नंबर चलते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर चलते हैं। आप जिस जगह पे हो, जिस स्थान पे हो, वहाँ के कॉन्टैक्ट नंबर लेकर उन पर फ़ोन करके वहाँ के नाम नज़दीकी नामदान स्थल को पता करके और वहाँ से आप नाम लेकर और फिर मर्यादा में रहते भक्ति करेंगे तो सारा लाभ देंगे संत रामपाल जी महाराज। धन्यवाद सर। धन्यवाद।